आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारे हैं जिनके मैंने हुसन के काफी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? अरे बाबा जानी आप फिक्र क्यों करते हैं, एक फोन की दूरी पर है, बस मुझे फोन करेगी, मैं उसे पिक करने चला जाऊंगा, आ जाएगी। अगर चली जाती तो इस टाइम तुम्हारे साथ ना बैठी होती। और जानते हो इसके बाद जुदाई का अरसा कितनी देर पर मुहित है? यार वो कपड़े सी रही है, मुझे भी अपने पास बिठा लेगी। एक बात बता मुझे, तुझे जाना क्यों है? अच्छा तू चल ना, बताती हूँ। इसे क्यों लेके गई साथ? इसको तो मैंने कल भी देखा था भाभी के साथ। कल भी? हाँ। आज तो मजा आ गया सितारा, है ना? सितारा वैसे तू अगर मेरे साथ रोज आया कर, मुझे कितना मजा आया ना कसमें। देख रही है तू इन लड़कों को कैसे टुकड़ टुकड़ देख रहे हैं? आज तू निकली है ना बड़े दिनों के बाद, तो जमा हो गए सारे के सारे। तो फिर तुझे तो जैसे नहीं देखते। पता है क्या, मेरा तो कुछ नहीं है, मगर अगर किसी ने बता दिया ना कि हमको इस तरह से लड़के देख रहे हैं, तो अब्बा जो है ना वो मेरी टुकाई कर देगा। बख्शु बाबा कुछ ज्यादा चेंज नहीं आया मोहब्बत नगर में। बस ये गांव तो ऐसे ही होते हैं ना जी। बख्शु बाबा आइए मेरे साथ आइए जरा। बख्शु बाबा ये दोनों कौन है? ये जी मिस्त्री गुलाम मोहम्मद की बेटियां जी। अच्छा और नाम क्या है इनके? किसका? इन दोनों का। आ जाए आ जाए। इसे मुझे एक बात तो बता, अगर मेरी प्यारी सी बहन को कोई रजवज गया तो? ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? ये कौन है? ये वो सरदार सिकंदर का छोटा बेटा है, सरदार आजाद। पर ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन हो आप दोनों और यहाँ हमारे खेतों में क्या कर रहे हो? वो जी वो ये जमीन हमने ली है जी, वो मस्ताजरी पे ली है जी। क्या मस्ताजरी? मस्ताजरी उधार को कहते हैं आजाद बाबू। ओह आई सी। और ये कौन है? ये जी वो ये मेरी 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 बहन है सितारा। अच्छा 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 अच्छा, तो ये वही सितारे हैं जिनके मैंने हुसन के काफी चर्चे सुन रखे हैं। किससे? चांद से। वो अक्सर मुझसे यही कहता था कि तुम्हारे गांव में एक सितारा है जिसके आगे मेरा हुस्न मांद है। I'm sorry, आप लोग प्लीज कैरी ऑन, मेरा मतलब है जो कुछ भी कर रहे थे प्लीज कीजिए आप। चले बख्शु बाबा प्लीज, अल्लाह हाफिज़। यार क्या बंदा है, कितनी आजादी से सब कुछ कह गया। आजाद जो है बस कर जा, आजाद जो है चल यहाँ से, अगर आ गया ना दोबारा और किसी को पता चल गया तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी इस आजाद के चक्कर में। चल रुक तो। Thank you.
पिछले साल तो मैंने सारी नालियां ठीक कराई थी पूरे गांव की, अब कहते फिर टूटी हुई है। ये ठेकेदार कहावी से ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जानी। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। भाई आप लोग जाओ, फिर बात होगी शाम को। ले आ पुत्र, ले खोल के मिले यार। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा जानी। हाँ बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत, बीमारियां मुझ पर हमला करने से डरती हैं इन लोगों की तरह। तंजीला को नहीं लाया पुत्र? बाबा जानी उसके सेमेस्टर के आखिरी दो पेपर्स रहते हैं, वो कह रही थी वो देकर आ जाएगी। पुत्र उसे ले आना था ना साथ। अरे बाबा जानी आप फिक्र क्यों करते हैं, एक फ़ोन की दूरी पर है, बस मुझे फ़ोन करिएगा मैं उसे पिक करने चला जाऊँगा, आ जाएगी। शहजाद भाई किधर है, नज़र नहीं आ रहे? वो अपने दोस्तों के साथ गया शिकार की मार पर, नया शिकार हुई उनके शौक निराले शौक। से ले जाना था आजाद के साथ, झूठ बोल के तुमने अच्छा नहीं किया। अगर चली जाती तो इस टाइम तुम्हारे साथ ना बैठी होती, और जानते हो इसके बाद जुदाई का अरसा कितनी देर पर मुहित है? जी जानता हूँ। मैं तो सोच सोच के पागल हो गई हूँ, कैसे गुजरेगा तुम्हारे बगैर ये सारा अरसा? भाई तुमसे मिलने तुम्हारे गाँव आ जाऊंगा, और क्या। मेरे गाँव? जानते हो तुम्हारे आने से क्या होगा? जानता हूँ, मगर दुश्मन बन के नहीं भिखारी बन कर आऊंगा अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। थैंक गॉड मैंने जिसे चाहा तूने भी उसके दिल में मेरे लिए सच्चाई रखी, मोहब्बत की सच्चाई। I love you Adil. Love you too. अम्मा से जाके पूछ ले, अगर अम्मा बोलेगी तो तुझे ले जाऊंगी। यार वो कपड़े सी रही है, मुझे भी अपने पास बिठा लेगी। एक बात बता मुझे, तुझे जाना क्यों है? अच्छा तू चल ना, बताती हूँ। अरे हाथ तो छोड़ मेरा, मैं नहीं ले जाऊंगी तुझे। और अभी तेरा काम शाम कैसे जा रहे हैं? ठीक ठाक, तू सुना। और बस यार चल रही है। अकरम। हाँ तो देख भाभी के साथ कौन जा रही है। सितारा है। ये कौन है? ओए तेरी भाभी की छोटी बहन है। लेकिन ये इसे क्यों लेके गई साथ? इसको तो मैंने कल भी देखा था भाभी के साथ। कल भी? हाँ। लगता है चाचे से बात करनी पड़नी है।